नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। मोदी है तो मुमकिन है। पूरे देश में युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। हालांकि यह अलग बात है कि समय के साथ हुए बदलाव में सरकारी नौकरी से बात केवल रोजगार पर पहुंच गई। खैर, हमें क्या करना इस फिजूल के चक्कर में पड़ने से, हमें तो नौकरी से मतलब है। नौकरी हो या रोजगार, हमारे घर में तो सिर्फ पैसे आने चाहिए, हमें आम खाने हैं, पेड़ गिरने से क्या फायदा। तो साथियों, आपको पूरी खबर बता दूं कि मोदी जी द्वारा दी जाने वाली 2 करोड़ नौकरी की पहली किस्त आ गई है। जी हां साथियों, लगभग 72,000 युवाओं को इसमें नौकरी करने का मौका मिलेगा। पहले आप पूरी एक खबर जान लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि नौकरी के लिए आवेदन कैसे करना है। जी हां साथियों, खबर है कि भारतीय रेलवे ने पिछले 6 साल में ग्रुप सी और ग्रुप डी के करीब 72,000 पदों को खत्म कर दिया है। इनमें चपरासी, बैटर, स्वीपर, माली और प्राइमरी स्कूल टीचर के पद भी शामिल हैं। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक रेलवे को 16 जोन ने 2015-16 से 2020-21 के दौरान 81,000 ऐसे पदों को सरेंडर करने का प्रस्ताव भेजा था। अधिकारियों का कहना है कि ये पद गैर जरूरी हैं। वर्क कल्चर में बदलाव और तकनीक के आने के बाद अब इनकी कोई जरूरत नहीं रह गई है, यानी अब इन पदों पर आगे कभी भर्ती नहीं होगी। एक मिनट, आप मुझे फर्जी खबर दिखाने के नाम पर गाली दें, उससे पहले यह सच्चाई भी जान लीजिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। फिर ये खबर फर्जी कैसे हो सकती है? सरकारी नौकरी में इन तमाम पदों को, जैसे चपरासी, बैटर, स्वीपर, माली और प्राइमरी स्कूल टीचर पर काम करने वालों को, युवाओं को सिर्फ फिक्स सैलरी ही मिलती, लेकिन अब तो मोदी सरकार की इस पहल के बाद युवाओं को अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका मिलेगा। आपके हित को ध्यान में रखते हुए ही तो आपके भले के लिए ये 72,000 पद समाप्त किए हैं, ताकि नौकरी की जगह युवा बाहर कहीं जाकर के चपरासी, बैटर, स्वीपर, माली और प्राइमरी स्कूल टीचर जैसे बिजनेस में आगे आ सकें। सरकारी पदों को समाप्त करना, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाना, अपनी चापलूसी मीडिया के सहयोग से देश की जनता का जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना, यही तो राष्ट्रवाद है। इसमें बुरा ही क्या है, यही तो राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। समझे कुछ या अब भी कुछ नहीं समझे? अगर आपको भी इस नौकरी के लिए आवेदन करना है तो हनुमान चालीसा, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम जैसे करंट अफेयर्स को रिवाइज करके किसी भी मंदिर मस्जिद के सामने इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप इन सब्जेक्ट को याद करने में असमर्थ हैं तो बुलडोजर का डर दिखाकर पर्चा भी आउट या लीक करवा सकते हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। जैसे कि बिहार में बिहार पीएससी का पर्चा लीक हुआ है और मध्य प्रदेश में ब्यापम का पर्चा लीक हुआ है, ठीक ऐसे ही आप भी ये पर्चा लीक करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, आज के रोजगार समाचार यही समाप्त होते हैं। और हाँ, एक बात और भूल गया, आप भी इन नौकरियों का फॉर्म चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको इनबॉक्स में आवेदन मिल सकता है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।